वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, क्या बोलती पब्लिक, हाउ डू यू डू स्कूबी डूबी डू। मैं हूं आपका फेवरेट यूट्यूबर टेक्निकल लोडू जी, और आज हम क्या करने वाले हैं भाई, आज हम असर कंटेंट बनाने वाले हैं, इतिहास को बदलने वाले हैं, मतलब व्यू स्टोरी करने वाले हैं। तो भाई उमर अंजुम का गाना आया, एक सेकंड मेरे यार ये गलत जगह पे खारिश हो रही है, अगर मैं लड़की होता तो अभी मेरे को शायद 1-2 लाख व्यूज आ जाते। शिट, तो हाँ, आर यू डाउन? टाइटल ऐसा क्यों रखा है मुझे नहीं पता, क्यों रखा है मुझे नहीं पता ब्रो, मतलब बीच में प्रॉपर एक वो लोग होते हैं ना, अपना टाइटल पूरा प्रो बनाते हैं, शायद वो पहले ऑडियो आ चुका हुआ है। और उमर अंजुम के कुछ गाने हैं जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है ब्रो। अब क्यों पसंद है ये व्यूज चोर वाले से ना पूछो, ये मेरे को नहीं पता, लन पे चढ़ गई किस्मत भाई। तो हाँ, मुझे पसंद है और मुझे इंतजार था, इतना इंतजार नहीं था कि मतलब मुझे पता नहीं था किस दिन आ रहा, आज आ गया वो अलग बात है, लेकिन हाँ मैं मतलब मुझे था मुतासिर था कि मैं इतनी मुतासिर नहीं, मैं इस चीज़ के लिए क्या कहेंगे यार, हम भूल गया मैं लफ्ज़, क्या बोलूँ मैं उर्दू का, कोई मखसूस कहाँ से लेके आऊँ, कोई मैं दीदार करना चाहता था इस वीडियो का, ये बहुत चवल मारी मैंने। खैर, तो एक सेकंड मैं वीडियो देख लूँ, बनाई किसने ब्रो, हम लोग वीडियो देख रहे हैं, काश हमजा हो, क्योंकि हमजा कारी साहब का फेवरेट बच्चा है, लेकिन रिटन एंड परफॉर्म बाय उमर अंजुम, बहुत खूबसूरत लाइंस हैं ब्रो, मैंने सुना हुआ ऑडियो, हीरा साजिद, डायरेक्टेड बाय शायद को डायरेक्टर एंड एडिट बाय अब्दुल, ओए ये वो मीम टेम्पलेट वाला ना यार, ये बैंकचोद बहुत लेवल किस्म का कंटेंट बनाते हैं, मतलब गिन के 5 या 4 कंटेंट क्रिएटर, मैं रोस्टिंग को कंटेंट क्रिएटर भाई, ये अमानत चंद और जफर का 80 पंजाबी बंदे सानू जुगते पे जो गल होती नहीं आ जाती, लेकिन इसकी वीडियो बहुत अच्छी है, मीम से और मीम टेम्पलेट वगैरह ये चला था, लेकिन मीम में से एक दो, खैर हम नहीं बोलते, हम तो व्यूज हो रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा बंदा, मैंने इसकी वीडियोज देखी हुई हैं, अच्छी बनाता है। तो खैर स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग, मैं ऐसे बोल रहा हूँ जैसे बहन चो बड़ा कारनामा करने वाला हूँ ना वीडियो में, स्टार्ट करता हूँ रिकॉर्डिंग और ब्रो चेक करते हैं कि 3 मिनट 15 सेकंड में कैसा आर्ट वर्क किया गया है, एडिटेड जो एडिट की हुई है वीडियो, उससे लगता है कि यकीनन अच्छा काम किया होगा, जो बंदा एडिट पे है वो कमाल है। तो हाँ स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग। सुना है इस जंगल में बहुत ही खूबसूरत परी रहती है, बहुत से लोग गए हैं इसकी तलाश में लेकिन कुछ ना मिला, जंगल में एक परी रहती है लेकिन कुछ ना मिला। कहते हैं कि वो परी इस जंगल में किसी का इंतजार कर रही है। अंजुम का बकल किस तरह का था ये ब्रो, ये तो गलत जगह पे चाकू है कि बकल दिया हुआ है गलत जगह पे, आई थिंक ये बकल चाकू। Are you down tonight? नजरों से बातें करती जाए। एक पड़ी है जो रहती है और वो सिगरेट पीती है, क्या वो सिगरेट पीती है लड़की, अबे लाइटर पड़ा हुआ है साथ ब्रो, मतलब दिया, मैं समझ गया हूँ दिया के हाथ में दिया, ये दिया जला हुआ है मुझे नजर आ रहा है, बहुत खूबसूरत सेट कहेंगे या क्या जो बनाया, बट लाइटर भी सिगरेट पीती है वो क्या, अच्छा फिर भी यार लाइटर क्यों रखा, मेरे जहन में फनी आ गया। नजरों से बातें करती जाए, देखा तूने मुझे थोड़ा डर लगे तुम ना आए, नजरों से बातें करती जाए, देखा तूने मुझे आई वो साइड, थोड़ा डर लगे तुम न आए, कच्चा रिश्ता वो पूछे क्यों हम पीने लगे, कीले गड़ी कितनी जिंदगी। यार ब्रो ये लिटरली मुझे याद आ गया, मरी के अंदर हम लोग गुब्बारे फाड़ते हैं ना तो वही गन देते हैं और टन करके फड़ती है, सो हाँ शिकार कर रहा है ब्रो। रिश्ता वो पूछे क्यों हम पीने लगे, कीले गड़ी कितनी जिंदगी, जंग में जीरे उदासी का मातम, दिल पे हमें चीरे लगे, सूखे दिमाग लेके गम की बारिशों में गीले, टूटे जैसे आसमान में बादल, अलग हुए न जुड़ने के काबिल, औरों के झूठ को सच मान के तूने आखिरकार मुझे ही क्यों बोला बातिल, दर्द दिल में बयां कर दूं कैसे, ये बताए मुझे अब कोई मिलके, दर्द से लिखूं तो चलते ये पन्ने, और दिल से लिखूं तो दर्द होता दिल में, वो भी दिन थे जब मिलते थे हंस के, दुनिया भूल के न गिले न शिकवे। मेरे को ना ब्रो, मैं सच बोल रहा हूं ब्रो, ये मेरे को ना वो एक फिल्म थी यार, मैंने बचपन में देखा, फिर क्या था वो
प्रिंसेस फियोना यार वो थी, वो बहन जो मैंने, वो यार ग्रीन कलर का वो, मैं तीनों पार्ट, तीन से चार यार, वो श्रेक श्रेक वो मेरे को याद आ गया ब्रो, सीरियसली मेरे को वो याद आ गया ब्रो, सीरियसली मेरे को एकदम, देख मैं तेज हो गया हूँ, मैं भी रैपर हूँ। दिन से जब मिलते थे हंस के, दुनिया भूल के, न गिले न शिकवे, हर घड़ी रहे मुझे इंतजार तेरा, शायद कभी आओ मुझसे मिलने, लिख रहा। खूबसूरत शायरी है ब्रो उमर अंजुम, ये तूने गाना बहुत माशाल्लाह खूबसूरत लिखा। हूँ ये खत पूरी जान से, शायद तू पढ़ ले या फाड़ दे तू शान से, शाहीन हूँ मैं, मिलेंगे आसमान पे, उड़ेंगे नहीं तो ये पर किस काम के, जिंदगी तस्वीर मेरी तूने रंग भरा, नो सेकंड चांसेस, इस बात का ही गम लगा, करूँ इंतजार या करूँ अपना दिल बड़ा, करूँ साफ जो और उन्हें तुझ में जंग भरा, मुझे पता है मैं नहीं हूँ तेरे लायक कभी, एक जानो जिसम, इस जिसम में वो जान नहीं, सिला गलतियों का काटूं पूरी जिंदगी या कैन। सीरियसली ये उस डायरेक्टर ने ना श्रेक मूवी देखी है पूरी की पूरी, छापा मारा है इसने, छापा मारा है, तैमूर भेजा तू ब्रो। भरा मुझे पता है मैं नहीं हूँ तेरे लायक कभी, एक जानो जिसम, इस जिसम में वो जान नहीं, सिला गलतियों का काटूं पूरी जिंदगी, I can't move on, मुझ में तेरी वाली बात नहीं, मेरी दुआ के मन तेरा साफ हो, दिल उदास तेरा छुपे उसमें रास सो, इतनी माफियों पे कर देता है माफ वो, मुझे ये इतनी माफियों पे कर देता है वो, बता दो कि तुम कौन से खुदा हो, काहिल है उमर उसकी सोच नहीं, काबिल नहीं उमर दिल पे बोझ नहीं। शुक्र करो तला यूनुस नहीं था, उनने भाई उसने आना तो देखो हमने उन्होंने कहा लाइटर दे मैं चो रोल मादर चो ने पैर चो और लड़की उड़े लेकिन नहीं आते वो यूनुस भाई होते उन्होंने क्या कहा था मुर्शिद ब्रो। राकिब है उमर देखता सब है, इतना देख कर भी दिल में खोट नहीं। नजरों से बातें करती जाए, देखा तूने मुझे आए बस साइट, थोड़ा डर लगे तुम ना आए। Are you down tonight? नजरों से बातें करती जाए, देखा सारी वीडियो के पैसे इस पे भाई, सारी वीडियो मैं कहूं लाइटर कहां से आया बहन, जो दिमाग में भोसड़ा हो रहा था मेरा, मैंने कहा नहीं कोई तो होगा, कोई तो है भाई फ्रीडिक्स, ये ना ये मैं कहता हूँ कसम से, इतना वीडियो मेरे को अच्छा नहीं लगा, जब ये शॉट दिया ना मैं लव हो गया भाई, जो लव हो गया। तुम ना आए, Are you down tonight? नजरों से बातें करती जाए, देखा तूने मुझे आए वो साइड, थोड़ा डर लगे तुम ना आए। राइटर उठा लेता ना उसका बड़ा मजा आता वहां पे चलाया था ब्रो ब्रो ब्रो। राइटर भाई शायद तेरा हसन कौन हसन नियाजी हसन नकवी, अच्छा ये इसी का नाम है ब्रो, मुझे नहीं पता था। अरे भाई मैं तुम्हारा पिताजी हूँ, अब हीरा शाहिद को मैं क्या इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए करूं, मैं क्या करूं, मैं तो ठरकी अवाम हूं, मेरे तो अंदर मैं ब्रो ठरकी ब्रो किधर जाऊं मैं। अच्छा खैर मजाक अपनी जगह, मेरे को लगा सीरियसली ये कहीं ना कहीं से तैमूर बेग की मुझे याद आई, क्योंकि इस वीडियो का जो स्ट्रक्चर था उसको देख के मुझे श्रेक याद आ गया, पता नहीं अभी क्यों हुआ, या मैंने वो फिल्म देखी या मेरा क्योंकि कॉमिक का 14 आया हूं तो उस तरह मेरे को याद आ गया, लेकिन सारे पैसे अब्दुल के थे ब्रो, वो जो आखिर में सीन, ओ मेरे को चौकीदार याद आ गया बहन चौथ, वो रात को जो हमें बताया था ना डंडे दो तीन मार के सोता है सिगरेट मुंह पर, वो मेरे को याद आ गया, धोती पहन के उसने आय हाय हाय सारा पैसा वहां का ब्रो। खूबसूरत गाना ब्रो, शेर व शायरी हमने पहले भी बात की थी, ये गाना बहुत खूबसूरत है, उमर अंजुम ने बहुत खूबसूरत तरीके से निभाया इस गाने को, और हाँ मज़ेदार है, जिसको पसंद आया गाना वो सुनेगा, जिसको नहीं पसंद आया वो नहीं सुनेगा, लेकिन नज़र आ रहा है 1200 लाइक, 9 डिसलाइक, मेरा दिल कर रहा है कि मैं लाइक कर दूँ इसको यार, क्योंकि मैं अपने पास रहूँ, मैं अपने दोस्त को ये वीडियो दिखाऊँगा और बताऊँगा कि, बल्कि सिड को लेके आऊँगा, उसको कहूँगा कि आजा रिएक्शन देते हैं इस चीज़ पे, तो हाँ उसको बुलाते हैं। सो हाँ नहीं, खूबसूरत शायरी है, खूबसूरत काम किया गया, मेहनत की गई है, और लेकिन मेला लूटा जिसे हम कहते हैं वो लूटा अब्दुल, ये वो इसने लाइन लगा के वो कहते नहीं है ईस्ट साइड पे वो वाला सा।
तो मिलता हूँ आप लोगों को किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी। अगर आप लोगों ने सुन लिया हुआ है 2300 व्यूज़ हैं, अगर आप लोगों ने सुन लिया हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं सुना हुआ गलती से तो आप लोग लिंक नीचे जाके सुन सकते हैं। और आखिर मैं एक चीज़ बोलूँगा, वो थोड़ा ओवर हो जाएगा लेकिन कोई बात नहीं है, ये ज़रा ड्रामे क्योंकि सास भी कभी बहुत ही हम देखते हैं कि उमर अंजुम भाई तू लगा रहा है ब्रो, तेरा तेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट है माशाल्लाह। मैंने इसके गाने सुने दो चार, और जो डिस्क के अंदर मैंने देखा था ना वो ऑफ बीट जा रहा, ऑफ बीट जा रहा था, लेकिन राइम उसके बाद मैं लफ्ज़ ढूंढे, मैंने किताब, मैंने कहा गूगल जिंदाबाद, इधर आओ बाबा जी, यस कमांड।